Welcome to my YouTube channel. I'm Amir Shahzad from RoshanTech eSite.pk. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. एक नए सेशन के साथ हाजिर हूँ। आजकल मैं सुबह के वक्त तकरीबन एक घंटा चहलकदमी करता हूँ, सुबह की सैर। तो उसमें मैं फिर आजकल ये साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो एक घंटा वॉक है, अस्सलाम वालेकुम, इसमें एक घंटा जो वॉक है उसमें एक काम तो ये है कि मैं खामोशी के साथ वॉक करूं या कोई सबक वगैरह पढ़ूं। तो मेरे ज़हन में है कि मैं इस तरह रिकॉर्डिंग्स करूं और फिर इसकी ऑडियो के साथ और कोई वीडियोस लगा के इसकी फिर वीडियो बना के अपलोड करूं। तो अभी तो ये तजर्बाती तौर पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्योंकि कल मैंने रिकॉर्डिंग की है और उसे अभी अपलोड नहीं किया। तो कल की रिकॉर्डिंग का अच्छा तजर्बा रहा है। उसमें बस एक बात ये थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग एक घंटा या उससे ज़्यादा कर सकता है कि नहीं। तो वो काम तो खैर ठीक हो गया। तो अलबत्ता इसमें एक मसला है कि जैसे मैंने मोबाइल पॉकेट में सामने वाले जेब में उल्टा करके रखा हुआ है ताकि माइक ऊपर हो, तो इसमें बाज़ लोग आपको बोलते हुए देखते हैं तो थोड़ा हैरान होते हैं। और अगर कोई हैंड फ्री वगैरह कानों में डाली हों तो फिर भी वो उनके ज़हन में ये आ सकता है कि शायद फ़ोन पे बात हो रही है। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता, मैं तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं फिर कोशिश करता हूँ अगर बंदे नोट कर रहे हैं या इम्कान है तो खामोश हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा साथ तकरीबन एक घंटे का है, तो आप अगर वेले हैं यानी आपके पास फुर्सत है तो ये ऑडियो वीडियो देखें। वरना टिकटॉक के शौकीन
या छोटी वीडियोस देखने के जो शौकीन हैं उनके तो बिल्कुल भी मतलब की ये चीज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो है कि मैंने किस तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, और ये भी कि क्यों बनाया है, कैसे बनाया है। तो मज़ीद मैं आगे इसको दर्जा बदर्जा बताता हूँ, क्योंकि शुरू में मेरी कोशिश होगी कि इसको आसान अल्फाज में बताया जाए ताकि जो सुनने वाले माहिर या एक्सपर्ट नहीं हैं वो भी बात समझ सकें और कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा हो सके, और जो लोग टेक्निकल काम जानते हैं या आईटी के फील्ड में हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि अगर आपकी दिलचस्पी हो कि आप ख़ुद एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं, तो आज मुझे लगता है तकरीबन हम इसी मौजू पे बात करेंगे। अस्सलाम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ख़ुद से बनाना, शुरू से बनाना तो बहुत मुश्किल, अकेले बनाना तो नामुमकिन सा काम कह सकते हैं, लेकिन अगर आप और लोगों ने जो काम किया है वह उस काम को लेके आगे बढ़ें तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो वैसे जो हम सॉफ्टवेयर्स देखते हैं उसमें कॉपीराइट का इशू होता है, और उसमें यह क्या वो लोग या कंपनीज आपको इजाज़त नहीं देती उसको एक सिस्टम से ज़्यादा बार इस्तेमाल करें, या आपके पास कोड, उसका कोड भी नहीं होता कि आप उसको तब्दील कर सकें, और बाज़ वक़्त कोड में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ आपको सेटिंग्स देखनी पड़ती हैं। जिस तरह अगर एक आप डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, या हम इसको यही कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि जब आपके सॉफ्टवेयर को कोई भी इस्तेमाल करे, जब कंप्यूटर ऑन हो, तो शुरू में एक लोगोस आता है, तो उसमें आपने तस्वीर डालनी है मिसाल के तौर पे, तो ये एक छोटा सा काम है, कॉपी और पेस्ट आपने करनी है वो तस्वीर। लेकिन बात वही है कि आपको वो कोड पता हो, या फिर सेटिंग्स पता हूँ कहाँ से जाके ये तब्दीली करनी है। तो इस वजह से जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है उसकी बुनियाद पे तो नया सिस्टम बनाना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ लोग हैं जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं
जिसको वो कॉपीराइट नहीं करते, बल्कि उसको वो एक इस्तला बोलते हैं कॉपी लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो कॉपी लेफ्ट का मतलब है कि कोई भी उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है और जितने मर्ज़ी सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकता है, अमूमन उसका कोड भी साथ होता है, उसको कोड देख सकते हैं, कोड तब्दील कर सकते हैं। और उसमें और चीज़ें शामिल भी कर सकते हैं या फिर और चीज़ें निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं इसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी जिनका कोड ओपन होता है और उनका लाइसेंस कॉपी लेफ्ट होता है, कॉपीराइट नहीं होता है। तो इन सॉफ्टवेयर की जो लिस्ट है इसमें सबसे बड़ा नाम एक है लिनक्स। तो मेरा काम क्योंकि सारा उसी पे बेस करके बनता है, इस पे मैं ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन ये मैं आपको और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स की मिसालें दूँगा जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं और दुनिया उनसे फ़ायदा उठा रही है। अगर आप आईटी या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो वीएलसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होगा, जो ऑडियो वीडियो प्ले करने में मदद देता है। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा फायरफॉक्स के नाम से एक ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल कर हो रहा है, गूगल क्रोम, ये ख़ुद एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की बेस पे बना है। तो इसको बनाने वाले तो मेन गूगल कंपनी है, उन्होंने ही इसको ओपन सोर्स रखा है। तो जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसका नाम क्रोमियम है, और जो फिर गूगल की ब्रांडिंग के साथ और कुछ उसके अपने जो कॉपीराइट या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको शामिल करके वो फिर गूगल क्रोम को रिलीज़ करता है। तो आप अगर नेट पे सर्च करें तो क्रोमियम के नाम से भी सॉफ्टवेयर है। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें तो आपको आराम से ये मिल जाता है। तो विंडोज़ के लिए गालबन इसकी कोई ऑफिशियल डाउनलोड नहीं है, तो कुछ लोग इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बिल्ड करते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाथों में, वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है एंड्रॉयड। ये ख़ुद भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसी तरह एक गूगल, इसके पीछे भी एंड्रॉयड के पीछे भी मेन कंपनी गूगल है, और गूगल ही की एक और प्रोडक्ट है क्रोम ओएस। एक तो क्रोम ब्राउज़र है, एक क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो
आपने शायद मुख्तलिफ कंपनियों की क्रोम बुक्स का नाम सुना होगा, HP, डेल, लिनोवो, और तकरीबन मेरे ख्याल है जितने भी ये मशहूर लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज़ हैं तकरीबन सब ही कि इनकी क्रोम बुक्स की सीरीज़ आई हुई है। तो क्रोम OS जो है वो भी एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है और ये बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस करके बना है। बाकी गूगल ने और इसमें अपनी एडिशन किए हैं चीज़ें, इसको सिंप्लीफाई किया है, इसका प्रोसेस, बूट प्रोसेस और डेस्कटॉप जो उन्होंने डेवलप किया है उसको बहुत आसान और सादा सा रखा है। तो जो लोग क्रोम बुक्स इस्तेमाल करते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं और क्रोम OS की बहुत मज़े की बात एक ये है कि ये खुद ब खुद अपडेट होता रहता है। खुद ब खुद अपडेट होने से मुराद ये है कि जो क्रोम बुक इस्तेमाल करते हैं तो बैकग्राउंड में ये डाउनलोडिंग करता रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम की और इस तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट रहता है और जिस तरह क्रोम ब्राउज़र भी खुद ब खुद अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो इसमें भी ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं वापस आता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ कि लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो इसमें लिनक्स से भी दो चीज़ें मुराद ली जाती हैं। जो आजकल अमूमी मुराद ली जाती है उससे मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें प्लस सॉफ्टवेयर्स शामिल होते हैं। तो जो मैं ज़्यादातर इसकी बात करता हूँ लिनक्स अगर बोलता हूँ तो उससे मुराद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जबकि एक सॉफ्टवेयर है कर्नल, हम बोलते हैं पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होता है कर्नल, जो कि इसका सॉफ्टवेयर्स को चलाने में मदद देता है, स्केड्यूलिंग करने में, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क वगैरह की मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उसमें वो छोटा सा पार्ट होता है लेकिन बहुत अहम पार्ट होता है। ये तकरीबन 1991 में लिनस ट्रवाल नामी शख्स ने लिनक्स कर्नल बनाई और उसको ओपन सोर्स और फ्री नेट पे रख दिया और उससे पहले तकरीबन 80 की दहाई में रिचर्ड स्टॉलमैन नामी एक शख्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स बना के तैयार कर लिए थे लेकिन वो पूरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं चल सकते थे क्योंकि
उसका जो एक पार्ट था कर्नल, वो तैयार नहीं था, तो उनके जो डेवलपमेंट हो रही थी वो बहुत आहिस्ता थी। तो इस दौरान 90 के शुरू में ही, 90 की दहाई के शुरू में लिनस टर्वाल ने लिनक्स कर्नल डेवलप कर लिया। और फिर जो रिचर्ड स्टॉलमैन का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम GNU था, तो कुछ लोग फिर इसे GNU/लिनक्स भी लिखते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी तारीख है। तो जब ये डेवलपमेंट लिनक्स हो रही थी तो उससे मुराद लिनक्स कर्नल ही थी, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने GNU टूल्स को प्लस लिनक्स को और मज़ीद भी लोगों के सॉफ्टवेयर्स को, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने शुरू कर दें, तो उससे मुराद यही है कि उसमें लिनक्स कर्नल है और जो यूज़र सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, बूट लोडर है या आम इस्तेमाल के लिए सॉफ्टवेयर हैं, ब्राउज़र है, डेस्कटॉप आजकल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशंस बनती रही, तो इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस में रेड हैट भी, उसकी डेवलपमेंट जो है रेड हैट, अगर आपने नाम सुना हो, वो इसी तरह शुरू में ही नाम आते हैं। और भी कुछ लिनक्स हैं जिनके मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, शायद एक स्लैक के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह डेबियन भी शुरू की ही लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में थी। ज़्यादातर लोगों ने उबुंटू का नाम सुना होता है, लेकिन ये 90 की दहाई के भी बाद गलबन 2004 में शुरू की गई। तो मेरी जो सारी स्टोरी है, जो मैंने डेवलप किया है, उसका नाम है रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम या रोशन OS। तो इसकी पूरी पीछे हिस्ट्री के साथ एक ताल्लुक है, इस वजह से मैं ये चीज़ें बयान कर रहा हूँ, मालूमाती भी हैं। तो उबुंटू जो है वो डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक एम के साथ बनती है, शुरू की जाती है। फिर और लोग आते हैं, वो उनके एम्स मुख्तलिफ होते हैं, तो फिर इसी तरह और डिस्ट्रीब्यूशन बनती रहती हैं। तो डेबियन से उबुंटू बनी और उबुंटू ने काफ़ी इसको मशहूर किया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। वो इस तरह के पहले, आजकल तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, मिसाल के तौर पे अगर एक आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है 1 GB की, वो आप आधे घंटे या 1 घंटे में डाउनलोड कर लेंगे। तो पहले लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साइजेस कम होते थे, आजकल तो 2 GB तक या उससे ज़्यादा साइजेस हो गए हैं, लेकिन पहले ये CD जो साइज़ है उसकी होती थी, 700 MB या समथिंग। तो उसमें उबुंटू ने ये किया कि फ्री CDs लोगों को देनी शुरू कर दी। तो उसमें आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते थे CDs। तो मैंने खुद भी, बल्कि इनकी मैंने मंगवाता हूँ अपने एड्रेस पे, और आती भी रही हैं, और ख़ुद भी मैं
इस्तेमाल करता रहूं और लोगों को भी देता रहूं। शिप इट के नाम से एक सर्विस थी उबंटो की, मतलब उबंटो तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, कैनोनिकल कंपनी है मेन, जो इनके पीछे कैनोनिकल कंपनी है वो ये काम करते थे। उबंटो तो उनकी जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नाम है। तो इस तरह फिर वो उबंटो की मशहूर होने में किरदार एक है। तो उबंटो जो है उसके सर्वर एडिशन भी हैं, डेस्कटॉप एडिशन भी हैं जो अपने आप लैपटॉप कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फिर उनके लिए क्लाउड एडिशन भी उन्होंने बनाए हैं। बल्कि अभी तो आप अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप लिनक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें WSL के नाम से सर्विस है इनकी, माइक्रोसॉफ्ट की WSL, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। लेकिन लिनक्स इस्तेमाल करने का ज़्यादा फ़ायदा तब है कि अगर आप इसको प्रॉपर फुल इंस्टॉल करें, यानी विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करने के बजाय उसके साथ साइड बाय साइड इंस्टॉल करें। डुअल बूट ये सेटअप कहलाता है, यानी एक तो ये है कि आपके कंप्यूटर पे सिर्फ लिनक्स हो और एक ये है कि विंडोज़ भी हो और लिनक्स भी हो, यानी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पर हो, तो ऐसा भी मुमकिन है। तो जिस तरह मैंने बताया है कि डेबियन आई, फिर उसके बाद उबंटो आई, फिर उबंटो पे बेस करके लिनक्स मिंट आई, और ये गालबन इन्होंने 2006 में शुरू की। तो अभी करते करते उनका लिनक्स मिंट का भी 2020 वर्जन आ चुका है। तो फिर 2021 में मैंने लिनक्स मिंट पर बुनियाद करके रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, रोशन OS। इसको आप वैसे गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। रोशन OS आप लिख के सर्च करें तो आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अस्सलाम। तो इसमें एक सवाल जो लोगों के ज़हन में आता है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि एक मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, जबकि पहले ही बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। अभी तो मैंने खैर चंद डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम लिए हैं, अगर आप नेट पे सर्च करें तो एक डिस्ट्रोवाच के नाम से वेबसाइट है जो इनकी लिस्टिंग रैंकिंग वगैरह करती है, तो उसमें तकरीबन 300 के करीब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी जिनकी डेवलपमेंट हो गई है। और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर कुछ यानी डिसकंटिन्यूड हो जाती हैं डेवलपमेंट जिनकी, तो वो फिर लिस्ट से वो हटा देते हैं या उसको मार्क कर देते हैं कि ये डिसकंटिन्यूड प्रोजेक्ट है। तो इस तरह अगर आप प्रोजेक्ट्स लिनक्स बेस्ड देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो तादाद हज़ारों में है। तो उनकी साइट पे भी जाएं तो आए रोज़ नई डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वेस्ट आती रहती है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते, वो पहले प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं और फिर अगर उनको लगता है कि ये, तो अब शुरू में वो वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं और फिर उनको लगता है जब प्रोजेक्ट एक मुनासिब हद तक चल रहा है तो फिर उसको अपनी वो लिस्ट में शामिल करते हैं। तो पाकिस्तान से
मतलब एक तो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, इसके अलावा एक पाक ओएस के नाम से भी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है जो उनकी डिस्ट्रो वॉच की नॉर्मल लिस्ट है वो उसमें भी शामिल हो चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट को भी आप लाजमी चेक करें। इसी तरह चंद साल पहले एक उर्दू की डिस्ट्रीब्यूशन भी बनी थी, यानी जिसमें लैंग्वेज उसकी उर्दू थी। मेन्यू पे क्लिक करें, जो मैसेज नज़र आते हैं उर्दू में, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी भी ज़बान उर्दू या ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में चीज़ें थी। तो इसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं, पाक लिनक्स। नहीं, इसका तो जिन्ना, मेरे ख्याल जिन्ना लिनक्स के नाम से इसको शुरू किया गया था, लेकिन अभी क्योंकि वो चंद साल गुजर गए हैं और उसको अपडेट नहीं किया गया, तो उस हिसाब से ये इतना अब इस्तेमाल करना करामद नहीं है। लेकिन जो उर्दू के शौकीन हैं वो ज़रूर इसको चेक कर सकते हैं। उनको तो इस चीज़ से गर्ज नहीं कि सॉफ्टवेयर पुराना है या नया है, तो उर्दू में जिनको पसंद है तो वो इसको सर्च करके डाउनलोड कर लें। या अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझे, क्योंकि ये वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला YouTube चैनल पे अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे आप कमेंट में मेंशन करें तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका लिंक मुहैया कर दूँगा। तो आधा टाइम तकरीबन हमारा हो चुका है, पर वापस मैं आता हूँ इसी सवाल की तरफ कि मैंने क्यों बनाया। तो उसकी वजह से सादा सी है, जिस तरह बाकी हज़ारों की तादाद में लोगों ने बनाया है, मेरी भी वजह वही है कि मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहता था। और एम्स होते हैं, तो मेरा एक एम इसमें ये भी था कि जो ISO फाइल जो विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं उनको पता है कि विंडोज़ ISO फाइल की सूरत में डाउनलोड करते हैं या CDs से वो कॉपी करते हैं। तो मेरा एक मकसद ये भी था कि एक जो DVD है तकरीबन 4 GB साइज़ होता है, तो मेरा एक मकसद ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किए जाएँ ताकि 4 GB के अंदर वो फिट हो जाए। और फिर जब जो भी इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करे तो उसे फिर मज़ीद सॉफ्टवेयर्स ना करने पड़ें। तो इस तरह फिर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स इसमें शामिल कर दिए हैं, गेमिंग कलेक्शन भी, इंटरनेट के सॉफ्टवेयर भी, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी, ऑफिस वर्क अगर आप करते हैं वो उर्दू लिखते और पढ़ते हैं उसके सॉफ्टवेयर, जूम सॉफ्टवेयर इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, टीम व्यूवर एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिमोट सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस तरह बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं। और अगर आप टोटल सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट देखें जो पहले से भी इंस्टॉल थे और कुछ मैंने किए, तो वो लिस्ट शायद हज़ारों की तादाद में चली जाए। और उसके अलावा कई हज़ार सॉफ्टवेयर आपको इसके सॉफ्टवेयर सेंटर में डाउनलोड के लिए मिल जाते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि एक आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस लोगों को मिले, यानी जो एंड यूज़र हैं वो इसे एक दफ़ा डाउनलोड करें और मज़ीद उनको सॉफ्टवेयर ना करना पड़े। इसी तरह फिर तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो रोशन OS है वो बेसिकली लिनक्स मिंट ही है, और लिनक्स मिंट बेसिकली Ubuntu ही है, और Ubuntu बेसिकली Debian ही है, और Debian एक लिनक्स
डिस्ट्रीब्यूशन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूशन चाइल्ड, अगरचे वो चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कुछ चीज़ें ऐसी करती है अपने तरीके से कि एंड मुमकिन है कि वो चीज़ें पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ना हो सके या इतनी आसानी से ना हो सके, क्योंकि पॉसिबल तो होती हैं, इसीलिए तो चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो ये तो मेरे मकासद थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की एक वजह ये भी थी कि मैं अपनी फैमिली में दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करके देता था, क्योंकि मैं ख़ुद भी उससे इस्तेमाल करता हूँ फुल टाइम। पहले पार्ट टाइम करता था, यानी डुअल बूट मेरे पास सेटअप था, विंडोज़ भी थी और लिनक्स भी थी। मैं ख़ुद पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिनक्स की तरफ शिफ्ट होता गया। तो पहले फिर डुअल बूट सेटअप किया और करते करते मेरा इस्तेमाल विंडोज़ का कम होता गया। तो अभी जब मैंने नया लैपटॉप लिया, तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरा ना होने के बराबर इस्तेमाल है। तो फिर मैंने इस लैपटॉप में विंडोज़ जो है डुअल बूट सेटअप नहीं किया, बल्कि सिर्फ़ लिनक्स ही की। और उसकी एक वजह और भी थी कि मैं चाहता था कि फुल डिस्क इनक्रिप्शन करूं, तो वो फिर आपके डाटा की सेफ्टी हो जाती है, अगर खुदा ना खास्ता आपका लैपटॉप चोरी हो जाए या डिस्क कोई निकाल ले, तो डाटा इनक्रिप्टेड होगा तो कोई उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक कि उसको पासवर्ड ना पता हो। तो होता ये था कि मैं अपने फैमिली में लोगों को, दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करके देता था, और फिर मुझे बाज़ुकात एक घंटा या बाज़ुकात कई घंटे और दिन लगाने पड़ते थे उस पर मज़ीद सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पे और सेटिंग्स वगैरह करने पे। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि वही सेटिंग्स जो मैं अक्सर करता रहता हूँ, तो उसी की मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना बना लूँ। तो फिर जो जो जैसे जैसे मैं चाहता था, फिर आपको रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम में यही चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपको इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है कि आप ख़ुद भी एक डिस्ट्रीब्यूशन या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं, तो आप एक, मतलब इसमें मुख्तलिफ तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पे एक अगर आप देखेंगे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उसमें से उन जो रीसेंट वीडियोस हैं उसी की लिस्ट में आपको नज़र आएगा मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप इस तरह लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो उसमें थोड़ी तफसील बताई हुई है, बाकी आपको मैं ज़बानी कलामी बता देता हूँ कि एक आसान तरीका ये है कि आप रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें, उसको कस्टमाइज़ करें जैसे आप करना चाहते हैं। यानी ऐसे हो सकता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स की बनाएं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जिसमें छोटे बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर हों। ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। एक आइडिया ये भी है कि एक आप एडिशन ऐसे बनाएं ऑपरेटिंग सिस्टम का के जिसमें डेवलपर्स के लिए सॉफ्टवेयर हों जो डेवलपमेंट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसी तरह आप फ्रीलांसिंग जो करते हैं उनके लिए एक अलग से बना दें, और इस तरह बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है। बल्कि मैंने तो जो जिस वीडियो का मैं हवाला दे रहा हूँ,
जिसको आप देखें, जिसमें तफसील से बताया गया कि किस तरह करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है प्रैक्टिकली, सॉफ्टवेयर को चला के दिखा के, अभी तो मैं ज़ुबानी बोल के बता रहा हूँ। तो उसी में मैंने ये आइडिया शेयर किया था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं सरकारी नीम सरकारी, उन सबको चाहिए कि अपनी अपनी वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। तो मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा स्टूडेंट डिग्री कर रहा है तो वो जब इनरोल होता है प्रोग्राम में तो उसको एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए जिसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि मुमकिन है उसको इस्तेमाल करने हैं आखिरी सेमिस्टर तक, वो सब के सब उसमें प्री इंस्टॉल हों। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कंप्यूटर या पीसी पर इनरोल होने के बाद वो उसको इंस्टॉल करें, या यूनिवर्सिटी इंस्टॉल करके दे, चार्जेस कुछ ले ले भले, या वो स्टूडेंट्स ख़ुद इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन उसकी सीख लें। अमूमन इंस्टॉलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की आसान होती है, 10 से 20 मिनट लगते हैं। तो उसमें ये मैंने आइडिया शेयर किया था। तो अभी खैर मैंने उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़वाद के ऊपर बात नहीं की है, वो एक पूरा ख़ुद भी एक टॉपिक है, इसके फ़वाद कितने हैं। बल्कि आप मेरे चैनल पे और वीडियोस वगैरह देखें तो आपको पता लग जाएगा इसका कितने ये फ़ायदा मंद है। तो आपको मैंने रास्ता बता दिया है, अगर आप ख़ुद बनाना चाहें या अगर आप आईटी को ज़्यादा नहीं समझते हाँ लेकिन फिर भी आप बनवाना चाहते हैं तो किसी भी आईटी पर्सन को पकड़ें और उसको बताएं कि ये चीज़ मुझे चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ और मेरे चैनल पे और वीडियोस में बताया गया, तो आप अपनी कस्टमाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। और कहीं पे अगर आपको मसला है तो आप मेरे साथ ज़िक्र भी कर सकते हैं। मेरे ये है कि इस चैनल पे मैं इसी हवाले से वीडियोस, क्योंकि मेरी आईटी और आईटी में ख़ास तौर पे लिनक्स के साथ बहुत दिलचस्पी है, इसलिए आप मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस इसी हवाले से देखेंगे। रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो ये प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, या अगर और लैंग्वेजेस भी हैं तो वो भी इस पे रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें अक्सर तो मैंने ये कर की हुई है, इस पे इंस्टॉल और बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं। और जो प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें एक सॉफ्टवेयर आईडीई आपको चाहिए होती है, इसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है और उसमें सेटिंग्स वगैरह भी की हुई हैं कि सी सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह डेवलपमेंट करनी है तो हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।
कि किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे शिफ्ट होना मुश्किल होता है, तो इस वजह से लोगों की आसानी के लिए मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ शामिल की है। यानी जब आप रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या लाइव यूएसबी या डीवीडी चलाते हैं, तो लाइव यूएसबी या लाइव डीवीडी में ये होता है कि आप इंस्टॉल करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को चला के चेक कर लेते हैं कि ये ठीक चल रहा है या आया आपके हार्डवेयर को ये सपोर्ट कर रहा है। जैसे बस सिस्टम पे वाईफाई का इशू आ जाता है साउंड, तो वो आप पहले से चला के चेक कर सकते हैं। तो आप इसको जब इंस्टॉल करते हैं या लाइव मोड में चलाते हैं, तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर ही आइकन एक पीडीएफ फाइल, काफ़ी सारे सफ़ात उसमें प्रैक्टिकली इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में लिखा गया डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सारी मैंने खुद लिखी है। तो इसमें जब कंप्यूटर बूट होता है, ऑन होता है, डेस्कटॉप सामने आता है, तो साथ ही वो डॉक्यूमेंटेशन भी खुद ब खुद खुल जाती है। तो उसमें फिर आप इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस लिखा हुआ है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसका भी सारा तरीकाकार लिखा हुआ है। तकरीबन 50 के करीब पॉइंट्स मैंने इसमें लिस्ट किए हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल है उसके बारे में बताया गया है, किस तरह मज़ीद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और किस तरह आप अपनी लैपटॉप से मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और मोबाइल से लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें बताई गई हैं। इसी तरह आप इसके ऊपर एंड्रॉयड, कुछ एंड्रॉयड ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अस्सलाम। तो ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पहले से देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे आएँ esite.pk, अल्फ़ाबेट ई और आगे site.pk। इस पे वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसमें ऊपर वाले हिस्से में ही रोशन ओएस के नाम से एक लिंक है, उस पे आप जाएं तो वहाँ से उस लिंक के स्क्रॉल करें तो तकरीबन दरमियान या आखिर में बताया गया है डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह साहब। क्योंकि मेरी दिलचस्पी ओपन सोर्स और लिनक्स के साथ बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से फिर इसी मौजूदात पे मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ। तो कभी कभी इससे हट के भी चीज़ें करता हूँ, भी ख़ास तौर पे जो मेरा चैनल है उस पे मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। शुरू की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वो आईटी की ही वीडियोस हैं, लेकिन अभी आप महीना पहले तक की अगर वीडियोस देखेंगे तो वो मिक्स हैं।
बहरहाल ये सोचे इंसान तो काफ़ी मुश्किल लगता है एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, लेकिन जब आपको तरीकाकार समझ आ जाए तो आपको फिर ये काम बहुत आसान और हलवा लगता है। अभी मैं वापसी के सफ़र पे हूँ और सीधा जाने के बजाय मैं गलियों से होके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए रास्ता, क्योंकि अमूमन वापसी का सफ़र जल्दी हो जाता है। तो अगर मैं सीधा घर जाऊँ तो मैं तकरीबन 5-10 मिनट पहले घर पहुँच जाऊँगा, तो इस वजह से अभी मैं ज़रा सा घूम के जाऊँगा तो 10 मिनट रहते हैं वॉक के। तो ये तकरीबन आजकल मैं 1 घंटा वॉक कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो या ऑडियो कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताएं, और मैं इस किस तरह और इसको बेहतर कर सकता हूँ। बहरहाल कोशिश मेरी होगी कि चंद दिनों तक इसको मैं अपलोड कर दूँ, पहले वाली जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वॉक की वो अपलोड करूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला इसका नंबर भी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम रोशन OS फ्री है, और शुरू में खैर मैंने सोचा था कि इसका मैं एक कीमत वाला एडिशन पेड एडिशन बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं, उसका इरादा नहीं बना रहा। पहले इरादा था बनाने का, तो उसमें तो मेरे जहन में ये था कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाए कि ये तो खैर 4 GB साइज़ की लिमिट है, तो उसमें यह है कि वो USB में दिया जाए और उसमें 40 GB या 60 GB, जिस तरह वो मैं कह रहा था डेवलपर टूल्स उसमें या बच्चों के लिए टूल्स, तो ये सब चीज़ों का मिक्स करके एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का इरादा था। लेकिन खैर वो तो अभी फ़िलहाल तो कैंसिल किया हुआ है। क्योंकि बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अभी आप रोशन ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लें, ये भी कई दिनों की मेहनत है। और उसके 2 वर्जन आ चुके हैं, एक 1.0 है और लेटेस्ट 1.1 है।
जैसे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो इस तरह की बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इसमें ओशन वॉइस में प्री इंस्टॉल्ड है। इसी तरह आपको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, ये काम भी आप इसमें कर सकते हैं। तो जिस तरह एंड्रॉयड में एक प्ले स्टोर होता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर्स मज़ीद सॉफ्टवेयर्स आप कर सकते हैं इंस्टॉल, तो इसमें लिनक्स में अमूमन सॉफ्टवेयर सेंटर कहलाता है या जो भी उसका नाम हो, उसका काम यही होता है कि सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सारा काम GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल इंटरफेस में होता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ लोगों को ये मगलता भी है कि लिनक्स सिर्फ कमांड बेस्ड है, GUI नहीं है, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो एडिशंस हैं बहुत आसान हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़वाद के हवाले से अगर आप मेरी ये YouTube चैनल वीडियोस लिस्ट को चेक करें, इसमें चंद वीडियोस हैं, उनका टाइटल कुछ इस तरह से है, Why Linux is Better। उसमें इसके फ़वाद वगैरह बताए गए हैं, फास्ट है, सिक्योर है, फ्री है, ओपन सोर्स है, जितने मर्ज़ी सिस्टम पे आप इंस्टॉल करें लीगल है। वायरसेस आने का ख़तरा ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं घर के करीब ही हूँ और टाइम भी अब थोड़ा ही रह गया है। उस हिसाब से मेरा अंदाज़ा ठीक हो गया, अब चंद मिनटों में मैं घर के पास पहुँच जाऊँगा। और रिकॉर्डिंग क्योंकि एक घंटे के करीब होने लगी है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि तकरीबन एक घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। तो रिकॉर्डिंग मैं फिर रोक देता हूँ, क्योंकि तकरीबन एक से दो मिनट अभी मज़ीद मुझे घर पहुँचते पहुँचते लगेंगे। तो वीडियोस देखते रहें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करें।
और अगर आप तो मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
At the end, I'll say, do subscribe my channel and hit the like button if this video is worthy. Otherwise, don't forget to let me know in the comments how to improve it. Thank you. Have a good day and goodbye.